नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी भरे वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है दिन का 11:30 बजे का, और आपको लग रहा होगा कि मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर 2 दिन से हो रही है बारिश, इस वजह से आपको अंधेरा दिख रहा होगा, काफ़ी मौसम ख़राब है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें स्पीडोमीटर के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। आपको पता होगा कि स्पीडोमीटर का गाड़ी में क्या काम होता है। एक्चुअल में गाड़ी की जो स्पीड है इसको शो करता है, यानी गाड़ी एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये बताता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, यानी गाड़ी 40 की स्पीड में चल रही है तो एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी गाड़ी तय करेगी। 60 की स्पीड में चल रही है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी तरह से अगर गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है तो 100 किलोमीटर की गाड़ी दूरी तय करेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक्चुअल जो स्पीड होती है दोस्तों, उससे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड अधिक दिखाता है। ऐसा क्यों होता है, इसी बारे में ये वीडियो होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है, यानी यूरोप के जो मानक हैं वाहनों के, उसके अनुसार कुछ कंपनियां गाड़ियों के जो मीटर हैं वो इंडिया में सेट करती हैं। अब उससे फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, यानी गाड़ी एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो स्पीड पर डिपेंड करेगा। यानी 100 की स्पीड में गाड़ी चलेगी तो 100 किलोमीटर गाड़ी तय करेगी, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एक्चुअल स्पीड मीटर दिखा रहा है उससे गाड़ी की स्पीड कम रहती है, जैसे कि 95 या फिर 97 या 98 किलोमीटर है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपने देखा होगा कुछ हाईवे की या एक्सप्रेसवे की जो स्पीड लिमिट होती है उससे अधिक हम गाड़ी को चलाने लग जाते हैं कभी कभी, या फिर आप किसी एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और उसकी लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की है, तो आप 120 किलोमीटर से थोड़ा भी ऊपर निकलेंगे तो चालान का खतरा बना होता है। इसी से बचने के लिए दोस्तों कंपनियां अपनी गाड़ी की जो स्पीडोमीटर की स्पीड है उसको थोड़ा सा आगे रखती हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी 120 की स्पीड में चल रही है आपको लग रहा है, लेकिन गाड़ी की स्पीड 110 या उससे भी कम होती है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ये जो अंतर है थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। जैसे कि 120 की स्पीड में चलेगी तो 110 से भी कम स्पीड रहती है आपकी गाड़ी की, 140 पे पहुँचेगी तो 130 से भी कम स्पीड रहती है, या फिर 125 के करीब स्पीड होती है एक्चुअल स्पीड। तो ये चालन से बचने के लिए जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ियों के मीटर को सेट किया जाता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी है, लेकिन मुझे लगता है ये काम की जानकारी होगी आपके लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ तो एक्चुअल स्पीड वो नहीं होती है, उससे कम स्पीड में आप गाड़ी को चला रहे होते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी वाली वीडियो के साथ में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।